इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट राशि बालाश्री। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं एनवायरमेंट को लेकर के वो कितना सजग हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आज एनवायरमेंट डे है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जैसे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, कोरोना में तो हम लोगों ने एक बहुत ही भीषण स्थिति देखी थी, तो उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राशि पाराश्री एडवोकेट है। मैं शशि सोशल वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। जैसा कि विदित है, आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस, देखिए सारी प्रकृति हमारी इसी में समाहित है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जीवन का आधार वृक्ष हैं। और लगातार जो रोडें बनने का चौड़ीकरण के चक्कर में वृक्षों का जो कटाव हो रहा है वो बहुत ही गलत है। उसके लिए हमें और कोई ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे वृक्ष वहीं के वहीं बने रहने चाहिए। और पौधारोपण या वृक्षारोपण का लिए हमारे लिए कोई एक दिन निश्चित नहीं है। अगर हम लोग ये प्रण कर लें, जैसा कि मैंने ये प्रण कर रखा है अपने बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष में, हर साल एक पौधा जरूर लगवाती हूँ, और हर व्यक्ति अगर ये प्रण कर ले और पौधों को लगाए तो ये हमारे लिए हर दिन पर्यावरण दिवस है। क्योंकि इसके अभाव में तो हम जी नहीं सकते हैं। आप देखते हैं तपती दोपहरी में कोई थका हारा श्रमिक आता है या कुछ आता है तो यहाँ पर उनको छाया मिलती है, अगर जल है आसपास तो जल पीकर अपनी तपिश बुझाते हैं। तो पेड़ तो हमारे जीवन का आधार है, हमारे कण कण में समाहित है। हमारी हर सांस, हर जो हम स्वच्छ वातावरण ले रहे हैं वो पेड़ों की बदौलत है। तो हम भारतीय यहाँ की बरेली की जनता से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएँ और पर्यावरण को संकट से बचाएँ।